कि जन्नत का सारा करूं तो समझ लीजिए कि 100 रुपया मैं मांग रहा हूं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुनिएगा कि जन्नत का का हसी टुकड़ा देखा है मदीने में। जब तक मजमा पूरा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तब तक ये पावरफुल मीडिया पे मतला नहीं पहुंचेगा। मोहब्बत से बोल के सुभान अल्लाह। जन्नत का हसी टुकड़ा देखा है मदीने में, देखा है मदीने में। जन्नत का हसी बड़ी नोट से आगाज किया है। 100 नोट 100 रुपया दिया है कब्रिस्तान के लिए। अल्लाह करे कि इस बच्चे अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा बड़ों के मैं शरीक करता हूँ मिसरे में, मुलाहिजा फरमा लें। मेरे छोटे भाई जो समिति से जीते हुए आने वाले वक्त के मुखिया नहीं एमएलए भी बन सकते हैं, जनाबे मिनहाज साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मुलाहिजा फरमा लें। जन्नत का हसी टुकड़ा देखा मदीने। सुभान अल्लाह। आप जब तक तैयार नहीं होंगे मैं टुकड़े से निकालूंगा नहीं सुनेगा। जन्नत का हसी टुकड़ा देखा है मदीने में, जन्नत का हसी टुकड़ा देखा है मदीने में। शेर बुझनी वाला है, जरा बुझ जाइएगा। मुलाहिजा फरमा लें।
भाई आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर सुनिएगा कि या गुलशन जन्नत में क्या कहने जलवा है मदीने का, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि या गुलशन जन्नत में जन्नत में जलवा है मदीने का, या गुलशन जन्नत में जलवा है मदीने का, या गुलशन शुक्रिया आपका। आइए इस्लाहे मुआशरा चार मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले। जब देखूंगा कि आपका मिजाज बन गया है फौरन एक नज्म मुझे सुनानी है, मगर उस पर पहुँचने के लिए आपका इम्तिहान जारी रहेगा। मुलाहिदा फरमा ले कि सब्र की इंतहा हो गई। सुभान अल्लाह सुनिएगा, आज पूरे हिंदुस्तान के हालात जो हैं चुनावी हालात भी हैं और एक मतलब बहुत गौर से समाप्त करने के लिए है। इलेक्शन यहाँ हो गया है, हो चुका है। एक शेर हाजिर करता हूँ जहाँ नहीं हुआ है मीडिया के जरिए इंशाल्लाह पहुँचेगा। फरहान बाबू पहुँचाइएगा कि सब्र की इंतहा जुल्म बे इंतहा मत करो। अल्लाह मुआशरा सुनेगा कि सब्र की इंतहा हो गई, सब्र की इंतहा हो गई, जुल्म बे इंतहा मत करो, सब्र की इंतहा। और ये पढ़ूंगा पाकिस्तान में, ये मेरा कलाम बहुत तेजी के साथ तमाम नातखा पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो माइक भी मेरे सामने है और ये कलाम उसी माइक से इंशाल्लाह अगर इजाजत ये बच्चा देगा तो उस माइक से पढ़ूंगा और ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये कलाम जाएगा इंशाल्लाह। तैयार रहना, तैयार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपने फरमाइश जो दी है, खुदा की कसम रूह ताजा हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी मुअत्तर नजर आ रहा है। मुलाहिजा फरमाने कि जुल्म की इल्तिहा हो गई, सब्र की इल्तिहा हो गई, जुल्म पे इल्तिहा मत करो। नाहिद बाबू, दोनों शायरों ने नाहिद नाहिद बार बार नाम लिया है, वो जिंदा था जब दिल खैराबादी का नंबर आया तो वो पर्दा फरमा गया। अल्लाह उसको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। सब्र की इल्तिहा हो गई, जुल्म पे इल्तिहा मत करो, सब्र की इल्तिहा हो गई, जुल्म पे मत करो, सब्र की इल्तिहा हो गई,
करो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी हिंदुस्तान, माशाल्लाह बहुत खूब जी। अच्छा ये निकल जा रहा है, ये हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मरज को सही पकड़ा है। डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब ने मरज को सही पकड़ा है और सही इलाज किया है। कब्रिस्तान का जो हल है इंशाल्लाह एक एक आदमी ऐसे ही अगर 500-500 दे दिया तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान सफर हो जाएगा। मगर सुनिए दिल खैराबादी कह क्या रहा है, सुनिए कि सब्र की इंतहा हो गई, जुल्म बे इंतहा मत करो मत करो मत करो, सब्र की इंतहा हो गई, इंतहा मत करो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क को करबला मत करो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क को करबला मत करो। और हाजरीन ये शेर जो आने वाला है इंशाअल्लाह चौंका दे अगर कस्बा टोली के नौजवानों को तो जरा शरीक हो जाइएगा। मुलाहिजा फरमाने कि माँ के कदमों में, माँ के कदमों में, सुभान अल्लाह। यार आप तैयार नहीं हो रहे हैं, मैं पूरी ट्रिक लगा रहा हूं ताकि आप बोलना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह शालम बाबू भी आ गया, माशाल्लाह। तैयार रहिएगा, मुल्क को कर बला मत करो माँ के कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत है दिल, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है दिल, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है दिल, माँ के कदमों में जन्नत है दिल, बाप जिससे नाराज माँ बाप हो, कोई ऐसी खता मत करो, जिससे नाराज माँ बाप हो, कोई ऐसी खता मत करो, जिससे नाराज माँ बाप हो, कोई ऐसी खता करो, कोई ऐसी खता मत करो। बहुत शुक्रिया, जो सोच करके पढ़ा उसमें कामयाबी नहीं मिली मुझे, जो चाहिए था मैं सोचा कि दो चार लोग आ ही जाएंगे माँ बाप के नाम पर 500-500 रुपया लेकर के, ये मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा भाई, अगर मैं मर जाऊंगा तो इसी कब्रिस्तान में मुझे दफना भी दीजिएगा, ये सारा की सारा ये कब्रिस्तान के लिए मैं, माशाल्लाह क्या बात है, क्या नाम है भैया, माशाल्लाह कलाम साहब तजीबुल, माशाल्लाह देखिए कलाम साहब और तजीबुल, माशाल्लाह क्या बात है, देखिए ये है जज्बा कस्बा टोली, कस्बा टोली हो गांजन हो ये पूरे इलाके में नूरुल हक साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। मनफाते इस कौम की नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक
क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी ये, क्या बड़ी बात थी इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो सुना है कल तेरे दर पे हुजूम आशिकां होगा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद तो आया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद तो आया न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज न कोई बंदा बंदा साहिब मोहताज जो गनी एक हुए बंदा साहिब मोहताज जो गनी एक हुए तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए तेरे दरबार है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल हिम्मत कर इंसान तो क्या काम है मुश्किल जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा जीत ना पाए कोई है तू बाजी बन जा जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा शर्त बस ये है कि इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए सुन तो तौहीद के सांचे में ढलते जाइए जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर 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 नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए अगर तालीम में हमको
कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। दुनिया जिसका नाम मियां ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है मुझे, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किसने मर्दों को घटाया
और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया, मर्द का सब दब दबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दब दबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दब दबा रोब अब जाता रहा, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोजख ही इसको बना दे, ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोजख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा जमाने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर दे, जमाने की रफ्तार, जमाने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है, खाना सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उकबा कहीं जिल्लत न मिलेगी, के नाते मुस्तफा पढ़कर, बहुत अच्छे, के नाते मुस्तफा पढ़कर, नाते मुस्तफा पढ़कर, अरे दिल को जग मगाना है, नाते मुस्तफा पढ़कर, के नाते मुस्तफा पढ़कर, दिल को जग मगाना है, के नाते
मुस्तफा पढ़ते दिल को जग मगाना है, दिल को जग मगाना है। नौजवानों कस्बा टोली के, अरे नौजवानों कस्बा टोली के हौसला बढ़ाना, नौजवानों कस्बा टोली के हौसला बढ़ाना है। नाते मुस्तफा पढ़ गए। आइए हजरात, मैं तो कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन कारी साहब की दुआ मिलते हैं और कारी साहब की मेहनत से दिल भाई मैंने कुछ कुछ कलाम लिखने की कोशिश की है। देखिएगा, अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा। पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने ये पहला कलाम, इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ से नमाज दीजिएगा। एक मरतबा धीरे से बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और धीरे से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बेदार है। आइए हजरत शेर हाजिर कराऊं, देखिएगा। के जिन पे कुर्बान, जिन पे कुर्बान, जिन पे कुर्बान, ये ज़माना है। जिन पे कुर्बान, जिन पे ये जमाना है, जिन पे कुर्बान, के जिन पे कुर्बान ये जमाना है, जिन पे भाई आपकी दुआ चाहते हुए शेर हाजिर कर रहा हूं, देखिएगा। कि उनकी उंगली की एक इशारे से, उनकी उंगली, उनकी उंगली की एक इशारे से, उनकी उंगली पल, चांद एक पल में हो गए टुकड़े, चांद एक पल में हो गए टुकड़े, जिन पे कुर्बान ये जमाना है मेरे मैं। और जो उठाए बारहा मेरे हुजूर पर उंगली उठते रहती है, कोई ना कोई बदबخت आता है और मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। तो आइए देखिएगा, शेर हाजिर कर रहा हूँ कारी रहुल्ला साहब, दुआ आपकी दुआओं की दरख्वास्त, शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा। कि जो उठाए, हाँ जो उठाए मेरे नबी पर उंगली, जो उठाए
के जो उठाए मेरे नबी पर उंगली, जो उठाए के जो उठाए मेरे नबी पर उंगली, ऐसे शैतान ऐसे शैतान का सब। आखिरी कलाम पढ़ता हूँ और आपकी आप अपनी जगह लेता हूँ। शेर हाजिर कर देखिएगा इरशाद कि वो मैं वो मैं वो उमर वो उमर वो मैं वो मैं वो भाग जाता है शैतान जिन्हें देख कर, हाँ जिन्हें देख कर, हाँ जिन्हें देख कर, भाग जाता है शैतान जिन्हें देख कर, भाग जाता है शैतान जिन्हें देख कर, वो है हजरत मैं, वो है हजरत मैं, वो मैं 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 वो उमर वो उमर वो मैं वो मैं वो मैं जिनकी हिम्मत शाहिद है बैतुल हरम, हाँ बैतुल हरम, जिनकी जुर्रत से वाकिफ है सारा आजम, हाँ सारा आजम, जिनकी बात कैसी, जिनकी बात कैसी, नौ में अब भी है डर, जिनके बात कैसी, नौ में अब भी है डर, वो है हजरत मैं, वो है हजरत वो मैं 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 वो मैं। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक बार जोर से बोल सुभान अल्लाह। शेर हाजिर कर रहा हूँ देखिएगा कि हाथ उठाए जब आका ने पेशे खुदा, हाँ पेशे खुदा, हाथ उठाए जब आका ने पेशे खुदा, हाँ पेशे खुदा, नाम गूंजल का भी दुआओं में था, हाँ दुआओं में था, जिनके खातिर खुला, जिनके खातिर खुला है हिदायत का दर, जिनके खातिर खुला है हिदायत का दर, वो है हजरत मैं, वो है हजरत मैं, वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं वो मैं के हो जाए करम, हो जाए करम, कुदरत भाई तैयार हो जाइएगा, के हो जाए करम में, हो जाए करम में की एक नजर,
अब रात तेरे वाली है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार पूरा मन में दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर मजा आ रहा है तो लेकर कह दे सुभान अल्लाह। दुआ चाहूंगा सुनेगा के हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। जरा दुरूद पाक पढ़ ले, اللهم صل على محمد النبي الامي جي والا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑا سا میں یہاں کمزور پڑ رہا ہوں، سنیے گا کہ ہو جاج کرم میں، ہو جاج کرم میں کہ ایک نظر اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، ہو جاج کرم کی ایک نظر مولا ایک نظر دتا ایک نظر ربا ایک نظر مولا ایک نظر اللہ ایک نظر، بس ایک نظر کی تو بات ہے، بس ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اب رات گزرنے والی 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 ہے۔ گلزار طوفانی کا پہلا شعر سنیے گا، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، دونوں جہاں پٹری چینج کرتا ہوں سنیے گا کہ ہے دونوں جاگا، ہے دونوں جاگا میرے سور مچا، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ نوید بابو سننا کہ ہے دونوں جاگا میرے سور مچا، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، ہے دو ہے دونوں جاگا میرے سور مچا، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، ہے دونوں جاگا میں سور مچا، سور مچا گا کیا گا جاگا گا ہے میرے آقا کی، کنکر نے بھی انہیں کہا گا کلمہ پڑھا، کیا گا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اب ایک بند پیش کرتا ہوں سنیے گا، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، کہ گھر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، سنیے گا کہ گھر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ذرا سا ایک بار آپ لوگ توجہ دیں، ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، نظر سے نظر کو ملا جائے اور اس شعر کا استعمال کیجئے، سنیے گا کہ ہو جائے کرم کی ایک نظر، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، شکوان قبیلہ یہ لب پر، ہر ظلم سگے گئے ہس ہس کر، سکھوانا کبھی لایا لب پر،
लाया लब पर। अरे तुझसे मन है को हमें सागा, तुझसे मन है को हमें सागा, दी है तो वागा क्या का सागत है मेरे आका के, क्या सागत है मेरे आका के, क्या का सागन है मेरे आका की, क्या सान है मेरे आका के। आखिरी शेर पेश करता हूँ सुनिएगा, क्या सागन है मेरे आका की, क्या सान है मेरे आका के। शायद कि आप मेरे उर्दू नहीं समझ रहे, आइए एक बंगला शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, जरा सा लहके कहते सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है मेरे आका की, के मोरे प्यारे नबी की सूरतिया। सुनिएगा सुनिएगा, क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है मेरे आका के बुबकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं। सुनिएगा, के बुबकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं, बुबकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं, बुबकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं, बकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं, बकर उमर भी कहते हैं, उस्मान अली भी कहते हैं, कहते हैं सब के लबों है गे, सब के लबों पे गे एक सदा का है गे, सब के लबों पे गे एक सदा का, क्या का सावन है मेरे आका के, क्या सावन है मेरे आका के, हो वो जाए करम, हो वो जाए करम की एक नजर, क्या का सावन है मेरे आका की, क्या सहार है मेरे आका की। के हिफ्ज जिसने खुश नसीबी से किया कुरान को, हिफ्ज जिसने खुश नसीबी से किया कुरान को, इनके वालिदैन ने कितनी दुआएं की होंगी कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए। आइए इनके वालिदैन के हवाले से ये शेर बतौर खास समाप्त करें कि हाफिज़ कुरान बनी माँ बाप की थी आरज़ू, हाफिज़ कुरान बनी माँ बाप की थी जो, रब ने पूरा रब ने पूरा कर दिया उनके इस अरमान को, हिफ्ज़ जिसने खुद
खुश नसीबी से किया कुरान को। और आप सभी हजरात को ये शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा इसमें आप सभी हजरात को जो है एक नसीहत के तौर पर इस शेर में सभी हजरात को शरीक कर रहा हूँ। बतौर खास मुलाजा करें कि चैन राहत और सुकून के वास्ते ऐ मोमिनो, चैन राहत और सुकून के वास्ते ऐ मोमिनो, पढ़ते रहना पढ़ते रहना चाहिए बस रात दिन कुरान को, खुश नसीबी से किया कुरान को। हिफ्ज जिसने खुश नसीबी से किया कुरान को। और ये शेर भी बतौर खास समाप्त करें कि रब की नुसरत आएगी देखोगे तुम ये बार बार। हमारे हाफिज कुरान को ये शेर बतौर नसीहत के मैं जो है पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाप्त करें कि रब की नुसरत आएगी देखोगे तुम ये बार बार, शर्त है लाओ शर्त حفاظ کرام کو شریک کرتے ہوئے یہ شعر بطور خاص سماعت کریں کہ حافظوں سے کرتا ہوں میں یہ گزارش بے خطر، حافظوں سے کرتا ہوں میں یہ گزارش بے خطر، ہر گھڑی رکھیے کا شعر دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ اے خدا اس بزم میں کاوش یہ کرتا ہے دعا، کاوش یہ کرتا ہے دعا، اے خدا اس بزم میں کاوش یہ کرتا ہے دعا، دین کا دین کا خادم بنا ہر حافظ قرآن کو، دین کا خادم بنا ہر حافظ قرآن کو، اور پا لیا اسے نے جہاں میں نعمت رحمان کو۔ کہ درد دل کی درد دل کی درد دل کی دوا ضروری ہے، درد دل کی درد
सुनना है, अगर सुनेंगे तो थोड़ा कहिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। थोड़ा बैठ जाए बाबू, ए बाबू बैठ जाए, आप लोग बैठ जाओ, जिन लोगों को सुनना है वो आगे आ जाए और बैठ जाए ताकि दिल जमीन के साथ में पढ़ो। बैठ के दर्द दिल के کہ خلد میں داخل کر چاہو خلد میں داخل خلد میں بھی انعام کا ماحول ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں ان کے حوالے چاہتا ہوں کہ دو تین پیغام میں اپنی ماں اور بہنوں کو دوں پڑھتا ہوں جی جی ایک مطلب پڑھتا ہوں میرے ماں اور بہنوں بطور خاص سماعت فرما لیں کہ جیسا رسول نے کہا جیسا رسول نے کہا ویسا کیا کر جیسا رسول نے کہا ویسا کیا کرو اے ماں بہن دین کا چرچا کیا کرو اے ماں بہن دین کا چرچا کیا کرو جنت جو چاہتی ہو تو پردہ کیا کرو جنت جو چاہتی ہو تو پردہ کیا کرو دھجنا کے
के फारूक साहब मरहूम नैयर के नाम से 500 रुपए दिए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह। फारूक्का साहब धचना के नैयर के नाम से 500 रुपए दिए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह हम लोग अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा अपनी माँ से है। और हजरत जो है कलाम मेरा बहुत मशहूर कलाम है, अभी जिंदा है मेरी माँ और वाकई अभी जिंदा है, और जिन जिन की भी माए जिंदा है इंशाल्लाह इस कलाम को सुनने के बाद जो है इंशाल्लाह वो अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करेंगे। मैं एक कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ माँ के हवाले से, इंशाल्लाह मेरी माँ और बहनों को काफी मजा आएगा। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए। के अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, तो अपनी 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 जन्नत बना लो ला। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ला। कौन क्या से क्या हो जाता है, शेर मुलादा फरमा। के इल्म हुनर खरीद दिल शोहरत खरीद ले, इल्म हुनर खरीद दिल शोहरत खरीद ले, हर आफियत खरीद दिल बरकत खरीद ले, हर आफियत खरीद दिल बरकत खरीद ले। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर सो गया, देखा जो ख्वाब में मैं, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ले। अपनी जन्नत बना दोस्तों जो वो घबरा के चले दिया, आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, अपनी ही अनास में एक थर्रा के चल गया, अपनी ही अनास में एक थर्रा के चल दिया। के माँ की दुआ के सामने औखा तू उसकी का, माँ की दुआ के आगे है औखा तू उसकी का, माँ की दुआ के आगे है औखा तू उसकी का। अपनी जन्नत बना लो ना, ईमान के दिल की है ये सदा। बोले के अहले ईमान के, अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अत्र के और न फूलों के सीने में है। अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अहले ईमान के दिल की है ये सदा। माशाल्लाह देखिए थोड़ा सा मीडिया वालों ने बस घसकाया नहीं है, बस खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर दिए हैं और दो लोग आ गए हैं, थोड़ा सा घसका लीजिए उधर भी आना चाह रहे हैं। कि अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अत्र के और न फूलों के सीने में है, अत्र के और न फूलों के सीने में है। अहले ईमान के दिल की है ये सदा, अत्र के और न फूलों के सीने में है, अत्र के और न फूलों के सीने में है। जिससे सारा जमाना मुअत्तर हुआ, जिससे सारा जमाना मुअत्तर हुआ, ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है।
बेशक 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 सारा जमाना मुअत्तर हुआ ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है। सारा जमाना मुअत्तर हुआ ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है। मौलाना अब्दुल बारी साहब एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाने के ऐसी खुशबू नबी के पसीने में है कि कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, कौन मेरा नहीं कह रहा है खुदा, वो जमीन सबके हक में है दारू शिफा, वो जमीन सबके हक में है दारू शिफा। आबे जमजम से ये राज हम पर खुला, आबे जमजम से ये राज हम पर खुला, हर मर्ज की दवा तो मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, सर जमीने लालकुड़ी। माशाल्लाह जी, आप महबूब भाई, महबूब मीडिया, देखिए मीडिया वाले का नाम बोलवाना हो मैं फ्री में नाम नहीं बोलूंगा, 10-20 दे दीजिएगा तो रुमाल में भी आ जाएगा। मैं असल में बहुत दूर से शायर आया हूँ, बहुत पैसा लोगों ने खर्च करके मुझे बुलवाया है, तो फायदा मेरे आने का ये हो जाए, रुमाल भर जाए ना तो मजा आ जाएगा। कि अत्र के और न फूलों के सीने में है। माशाल्लाह महबूब मीडिया ने माशाल्लाह खूबसूरत नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला लोगों को ये महबूब मीडिया के जरिए ये जो कलाम मिल रहा है इसको शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अब अरमान भाई, एक मतलब पहुंचाता हूं तमाम गुलामाने मुस्तफा तक, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अभी तक जो मजमा खामोश है इंशाअल्लाह इस मतले में शरीक हो जाएगा। हुजूर देखिएगा, डर लग रहा है कि कोई नया कलाम शुरू करूं और आपकी खामोशी मुझे पढ़ने न दे, पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कि और कोई हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मेरी रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलेंगे। मैं यहां से वहां तक बोलवाना चाहता हूं, सुभान अल्लाह सुनेगा। कि और कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, के और कोई भी न महशर में हमारा होगा, और कोई भी न महशर में हमारा होगा, और कोई दिन महशर में हमारा होगा, और कोई दिन महशर में हमारा होगा, सरकार सिर्फ सरकार सिर्फ सरकार रे दो आलम का सहारा बहुत बहुत, सिर्फ सरकार रे दो आलम का सहारा होगा।
माशाल्लाह ये भी अच्छा, ये किसी इदारे का लड़का है, किसी मदरसे का लड़का है, उन्होंने एक फरमाइश की है। इंशाल्लाह दूसरे राउंड में बाबू इसको पढ़ दूंगा। इसके बाद मैं एक फलस्तीन पर शेर पढ़ने वाला हूँ, एक कलाम पढ़ने वाला हूँ, बंगाल की धरती पर उस कलाम को पहली बार पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है ये तीन शेर का सफर जो है आपको इंशाल्लाह चौंका देगा। कि और कोई बिना महशे में हमारा होगा। अफान ऑफिशियल के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, सुनना शेर। महशे में हमारा होगा के औज पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा। औज पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा। औज पर खजरा का नजारा होगा। बहुत बहुत घड़ी गुम्बद खजरा का नजारा होगा। जिस घड़ी गुम्बद खजरा का नजारा होगा। तमाम उम्मतियों तक ये मिसरा पहुंचाता हूं, मुलाहिज़ा फरमाने। जी जी जी, मौलाना अब्दुल बारी साहब और ये तमाम बहुत सारे सब नौजवान ही टीम है। आप लोगों की जबान अगर हो तो आप लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ा दीजिएगा ताकि हैदराबाद तक ये मिसरा पहुंच जाए। पेश करता हूं, सुनिएगा, पूरी टीम को तैयार करता हूं। औज पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा। जिस घड़ी गुंबद खजरा का नजारा होगा के फैसला नारे जहन्नम का हो उम्मत के लिए। नारे जहन्नम का हो उम्मत के लिए। फैसला नारे जहन्नम का हो उम्मत कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा। कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा। कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा।
साड़ी का आखिरी शेर दस्तारे फजीलत दस्तार बंदी का ये तीसरा दिन है आज के जलसे का वो शेर हाजिर करता हूँ कुरान पाक के हवाले से मुलाहिज़ा फरमा लें। मैंने शेर पढ़ा जहाँ दाद देनी थी आपने सर नीचे करके उसका इस्तकबाल किया बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ये शेर पढ़ूं तो आप सो जाएं। हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब सुनिएगा कैसे सरकार दो आलम को गवारा होगा कि रब ने कुरान में ये साफ किया है एलान रब ने कुरान रब ने कुरान ने ये साफ किया है तुम्हारा न हुआ कैसे हमारा होगा जो तुम्हारा न हुआ कैसे तुम्हारा होगा जो तुम्हारा न हुआ कैसे तुम्हारा होगा के दोनों आलम में चर दोनों आलम में चर चा खुदा की कसम अर्श आजम के उस पार किसी ने कहे आप सुन के घबरा जा रहे हैं और बिल्कुल कम कर रहे हैं। न जाने आप मुझसे मोहब्बत करते हैं कि दुश्मनी करते हैं मुझको पता नहीं लेकिन अगर मुझसे मोहब्बत आपको हो या ना हो लेकिन यहाँ जितने सामान बैठे हैं जो मुझको सुनने के लिए आया है अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो आप खुदा के वास्ते खोल दें। एक बार लहक के आप लोग कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुनिएगा के दोनों आलम में चर चा खुदा की कसम दोनों आलम में चर चा खुदा की कसम अर्श आजम के उस पार किसी ने कहे दोनों आलम में चर चा खुदा की कसम अर्श आजम के उस पार किसी ने दोनों आलम में चल चाचा खुदा की कसम अर्श आजम के उस पार किसी ने कहे हाँ दोनों आलम में चल चाचा खुदा की कसम दोनों मैं चल चाह खुदा की कसम अर्श आजम के उस पार किसी ने कहे अर्श आजम के उस पार किसी ने कहे हर तरफ है फरिश्तों की एक भीड़ सी हर तरफ है फरिश्तों की एक भीड़ सी कितना प्यारा नजारा मदीने नजारा मदीने का है
ये देखिए माशाल्लाह कारी बिलाल साहब जो आपने मेरा सलाम आपने मेरा आगाज कर दिया है आइए 100 का नोट से मुझको आपने नवाजा है मैं आपके लिए आपका छोटा भाई हूँ आइए एक बार हजरत के लिए दुआ कर दे जरा एक बार आप लोग कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आप लोग बोले एक बार शायद के बंगाल में अक्सर हुआ करता है कि आदमी बोलता नहीं है लेकिन एक बार आप लोग मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह मदरसे के बच्चे बहुत सारे यहाँ बैठे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा है आज ये पेश करता हूँ अगर अच्छा लग जाए तो आप नवाज दीजिएगा कि हर तरफ है फरिश्तों की ये भीड़ से कितना प्यारा नजारा मदीने का है दोनों आलम में चले चा खुदा की कसम अर्श का गजम है उस पाक जीने का है दोनों आलम में चले चाह खुदा की कसम दोनों आलम में चले चाह खुदा की कसम अरसे का गजम के गुस्से पाक जीने का है अरसे का गजम के गुस्से पाक जीने हर तरफ है फरिश्तों की ये भीड़ सी कितना प्यारा नजारा मदीने हर तरफ है फरिश्तों की ये भीड़ सी कितना प्यारा नजारा मदीने का है और फूल कहे दे हमारे यहाँ कुदरत भाई भी तस्वीर फरमाए सुजापुरी मीडिया बिहार और दीगर मीडिया वाले सभी की दुआएं चाहूंगा जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह मदीने का है फूल कहते हैं ये और बोले कली उनके आने से महकेगी उनके आने से महकेगी उनके आगाने से महकेगी है हर एक गली उनके आगाने से महकेगी है हर एक गली खुशबुओं से मुआगा तर गए दोनों जहां खुशबुओं से मुआगा तर गए दोनों जहां अरे मौजजा गाजे नबी के पसीने का है नारे तकबीर शायरे हिंदुस्तान जनाबे गुलजार तूफानी सर जमीने राड़ियाल हजरत मौलाना जर्जी साहब इनावा यूपी माशाल्लाह क्या खूब है माशाल्लाह बढ़िया गुलजार भाई बहुत खूब बहुत खूब आपने मेरे हिम्मत को दाद दिया है मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जरा लेके ले आप लोग कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये सुनिएगा तूफानी अंदाज में एक शेर पेश करता हूँ सुनिएगा कितना प्यारा नजारा मदीने का है आप हजरात आ गए और महफिल खूबसूरत हो गई हमारे भाई जनाब अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातहू तशरीफ फरमा है आइए पेश करता हूँ सुनिएगा कि मेरे होठों की ये कहती है तिश्नगी अरे जाम में कौसर माजा के पीने का है सुनिएगा कि मेरे होठों की ये कहती है तिश्नगी जहाँ में कहो सड़े वहाँ जागा के पीने का है मेरे होठों की ये कहती है जिंदगी के जहाँ में कहो सड़े वहाँ जागा के पीने एक बार आगे से पीछे तक पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं पूरा मजमा अगर आप मेरे उर्दू को समझ रहे तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं दोनों
दोनों हाथों को देखकर पूरा मन में और जोर से लाइक कर कहते सुभान अल्लाह, जरा मस्ती में कहते सुभान अल्लाह, एक बार अपना बस्ती में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितना प्यारा नजारा रागा मदीने का है कि मेरे होठों की ये, मुजफ्फर साहब सुनिएगा, सुनिएगा हजरत, कितना प्यारा नजारा रागा मदीने का है कि मेरे होठों की ये कहती है किस नगी के शाम का वो सरे वहां जा के पीने का है, हम मेरे होठों की ये किस्म में हिम्मत गए जो रोक ले गागा उसे। अरे रुख मदीने की जाने पे सफीने हिम्मत गए जो रोक ले उसे रुख मदीने की जाने पे सफीने का है। अब आज हजरत मैं थोड़ा सा कश्मकश में हूँ, आइए एक मतलब पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, पेश करता हूँ, जरा सा आप लोग एक बार लहक के कह दे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आइए एक मतलब पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, जरा सा आप लोग मोहब्बत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह दुश्मन भी इसमें बोलेगा, ये दवाई तूफानी के इंशाल्लाह बोलेंगे, अजीब सा मिसरा पेश करने जा रहा हूँ, सुनिएगा खुदा करे के खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, जरा सा लेके एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के खुदा करे के खुदा करे के बढ़ा दीजिए भैया, थोड़ा बढ़ा दीजिए, कि खुदा करे के खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे सुनिएगा, कि खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे हाँ खुदा करे के खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, मुझे के मेरे लबों पे मेरे लबों पे अरे अरे हमेशा नबी का नाम आए, हमेशा नबी का नाम आए मेरे लबों पे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजिम, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे के मेरी जुबान पर कुछ ऐसा तू असर कर दे, सुनेगा के मेरी जुबान पर कुछ ऐसा तू असर खुले तो सुबह खुले तो दरूद और सलाम आए, दरूद और सलाम आए,
आबाजी हजरत।